आप लोग, मेरी बहन को मुझे दो। मैं गुड्डी को मारने नहीं दूंगा, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आपे समझाना पड़ेगा सम्राट, इस गांव का कानून सबके लिए एक जैसा है। तेरी माँ ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इज्जत? कैसी इज्जत? जो अपनी खुद की बेटी को मारने का हुक्म दे। आज तक तो मैं आपकी सारी बात मान लेता था, पर आज नहीं। गुड्डी का कोई दोष नहीं है, वो तो बस मेरी बहन है। जरा देखो इसे, कितनी प्यारी है। ऐसा जैसे भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा हो। आपको पता है, स्कूल में मेरे दोस्त जब मुझे अपनी राखी दिखाते थे, तो मैं भी भगवान जी से कहता था कि मुझे भी एक बहन देना। फिर वो मुझे रंग बिरंगी राखी बांधती और फिर मैं उसकी रक्षा करता। भगवान जी ने तो फिर दे दिया ना इसे। ये मेरी बहन है, मेरी गुड्डी। अगर किसी को भी इसको हाथ लगाना है तो पहले मुझे मारकर गुजरना होगा। सम्राट, तुम्हारी माँ के लिए कर रही हूँ। तुम्हारी माँ ने कुछ गुनाह किए हैं और ये बच्चे उन गुनाहों का नतीजा है। गुनाह? आप गुनाहों की बात कर रही हैं दादी। गुनाह तो ये है कि आप मेरी एक बहन, एक ऐसी बहन जो गुड़िया जैसी है, उसको जिंदा गाड़ रहे हैं। यह इंसाफ नहीं है। मैं गुड्डी को बचाऊंगा, चाहे मुझे आप सबसे लड़ना पड़े। अगर किसी ने भी गुड्डी के एक बाल को भी हाथ लगाया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसका हाथ से मैं रखवाला हूं। तुम्हारी बहन को ये जिंदगी बहुत मुश्किल पड़ेगी। हाँ तो मैं वो भी झेलूंगा। और वैसे भी नजायज का तो मतलब भी कुछ खास होता है ना गुड्डी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना।